और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर गाजियाबाद से, आपको बता दें यहाँ चेन स्नैचर्स का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े चेन स्नैचर की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार चेन स्नैचर्स ने वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर एक बैठी महिला की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। मोदीनगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है और पूरी घटना देखिए पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। गाजियाबाद भी चेन स्नैचर्स का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। आप देखिए अपने घर के बाहर एक महिला जब बैठी हुई थी तो अचानक से ये चेन स्नैचर आते हैं और उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। मोदीनगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि अब इसी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन देखिए कैसे दिन दहाड़े आतंक इन चोरों का देखने को मिल रहा है और पूरी वारदात ये पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाजियाबाद का पूरा मामला है। बाइक सवार चेन स्नैचर्स इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुनसान गली जिसमें एक महिला जब घर के बाहर बैठी हुई थी अचानक से ये लोग आते हैं और उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। अगली खबर इटावा से है जहां एसडीएम की तत्परता की वजह से सड़क हादसे के शिकार दंपति में से एक की जान बच गई है। दरअसल बाइक सवार एक दंपति शहर की तरफ जा रहे थे और तभी स्पीड ब्रेकर हादसे का शिकार हो गए। मौके पर पहुंचे इटावा के एसडीएम विक्रम सिंह ने तत्काल दोनों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान हादसे की शिकार महिला की मौत हो गई, लेकिन सही वक्त पर इलाज मिल पाने के कारण जो पति था उसकी जान बच गई है। सड़क हादसे का शिकार दंपति मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं और इटावा किसी गांव में जा रहे थे। एसडीएम की इस पहल की अब हर कोई सराहना कर रहा है। घर से आ रहे थे कामर लिब्बा काज ब्रेकर पे गाड़ी खड़ी उल्ली रोड पे गिर पड़ी। कौन कौन था? हम थे, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, पत्नी थी। क्या हुआ फिर? फिर हमें जो सापे एसडीएम साहब ने अपनी गाड़ी में फ़ोन लगाओ जे धर के ले आए एम्बुलेंस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस नहीं आई। साहब आए गए थे। हाँ, काली वाहन मंदिर के सामने मैंने देखा कि कुछ भीड़ जमा है। वहां जाकर पता चला कि एक महिला काफ़ी घायल अवस्था में नीचे पड़ी हुई है रोड पर और उसके साथ में उसका हस्बैंड था। पता चला कि ब्रेकर से जो मोटरसाइकिल कैसे ही करके वो नीचे गिरी महिला और उसके सिर पर काफ़ी गंभीर चोट थी। तो तुरंत मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी गाड़ी में उनको रखवा कर तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया, लेकिन डॉक्टर ने उनका चेकअप वगैरह किया तो लेकिन वो उनकी जब तक डेथ हो चुकी थी। तो ये प्रकरण रहा। पुरुष की जान बच गई? हाँ, पुरुष एकदम ठीक है, हस्बैंड एकदम ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।